हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, आज एक हम बहुत ही बढ़िया शेयर है जो इस समय वो सेक्टर काफ़ी अच्छा रन कर रहा है, और आज उस कंपनी के उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और आई होप, मुझे लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट नंबर है इस शेयर का आने वाला है। तो आज टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था और अच्छा मोमेंट भी लिया था, तो अभी भी हम उसको कैश कर सकते हैं। तो शेयर है एडिलवाइस, एक बार हम गूगल पे देख लेते हैं। एडिलवाइस फाइनेंशियल शेयर, आज हमने इसकी कॉल दी थी 79 पे, अपडेट किया था क्योंकि इसका मोमेंटम हमने इस तरीके से कैश किया। अभी आप देखोगे तो एंजल ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया और 10% का सर्किट भी लगा, तो हमने ब्रेकआउट पे देखा है बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, और ब्रेकआउट को अच्छे से पहले ये होल्ड किया और बढ़िया ब्रेकआउट दिया। तो अभी तो एंजल को अभी लेना हमारे लिए रिस्क रहेगा, बट एडिलवाइस को हम कैश कर सकते हैं और अभी हमें उसमें एंटर करने का अच्छा मौका है। जल्दी से एक फाइनेंशियल इसका देख लेते हैं, सेम काम इनका भी वही है और इस टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस 1.2 मिलियन, सर्विस थ्रू आर नेटवर्क ऑफ ओवर 476 ऑफिसेज हैं, तो 11,000 इम्प्लॉय हैं। एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे कंपनी ने काफ़ी अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, नीट एंड क्लीन हो गया है। अब कोई भी शेयर इनका एक भी शेयर गिरवी नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक बार मनी कंट्रोल पे क्लियर कर देता हूँ। आप देखोगे तो ये देखिए जो इनके पास ये इन्होंने ये प्लेस जो भी शेयर अपने रखे हुए थे प्लेस, ये जून क्वार्टर में बिल्कुल फ्री हो गया है। अब एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है, जीरो प्लेस है। तो अब हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो एनुअली अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो आप देखोगे 969 करोड़ से स्टार्ट करके आज की डेट में ये 10,775 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो मार्च में थोड़ा कम था, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया है। और आगे अगर इनका आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया है। ये जो मार्च 2020 था उसमें कंपनी को तगड़ा लॉस हुआ था, और भी चीज़ें थी जिस वजह से उसके बाद जो मार्च 2001 का क्वार्टर था उसमें 265 का ग्रोथ हुआ। और ये लॉस इसलिए नहीं हुआ था कि कुछ इन्होंने इनका जो भी था जो भी इन्होंने शेयर्स अपने प्लेज रखे हुए थे सारी चीज़ें क्लियर कर ली इस वजह से, और उस समय कोविड का थोड़ा सिचुएशन था, इन सब की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी। बाकी सारी चीज़ें अब क्या है कि ओके हो चुकी हैं। बारोइंग आप देखोगे तो है कंपनी के पास नो डाउट, क्योंकि ये फाइनेंशियल उसमें भी काम करती है, एक तरीके से एनबीएफसी का भी काम करती है, तो बारोइंग भी है, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो इनका ये भी आया है, वही उस टाइम पे पेमेंट्स वगैरह नहीं आई थी तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अभी सब कुछ स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर 32.85% मेंटेन किए हुए हैं, और एफआईज के पास आप देखोगे तो 29.85% की होल्डिंग है। डीआईज के पास 4.53% की। पब्लिक में आप देखोगे तो पब्लिक में 27.97% की जो अप्रोक्स 30% की जो होल्डिंग है उसमें से भी आप देखोगे तो
लगभग 10-12% जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, केवल तो पब्लिक के पास आप 17% की होल्डिंग है। और FIs आप देख रहे हो कि FIs ने अप्रोक्स 30% माल दबा के रखा है, तो आप इसका फ्यूचर ग्रोथ सोच सकते हो। तो अभी बॉस जो एंट्री लेने का टाइम है ना, वो बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड। और जब इस टाइप की कंपनियों में, इस टाइप के सेक्टर में ग्रोथ आया ना, आप पीछे भी एक बार देखे होंगे कि जब ग्रोथ आई थी तो सारे इससे SMC आप ले लो, एडिलवाइस ले लो, IIFL ले लो, सारे चले थे। ठीक, मेरे को लग रहा है वो चीज़ फिर से एक बार रिटर्न हो रही है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का लंबा टाइम था 3 मंथ का अप्रोक्स, वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं कि एंट्री लेना क्यों इसमें सही रहेगा, और भी हैं तो एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो हम इसका एक बार सेटअप देख लेते हैं। आप देखोगे तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये ब्रेकआउट यहाँ से दिया था, इसी को अब ये सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट था, अब ये सपोर्ट की तरह इसको यूज कर रहा है और अच्छा एक कंसोलिडेशन हो गया। आप देखोगे तो लगभग जून से लेके अगस्त, ये सितंबर तक का एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया। और ये इतना ही कंसोलिडेट करता है, आप इसका पीछे की हिस्ट्री देखोगे तो ये इतना ही कंसोलिडेट करता है। और ये देखिए एक अच्छा ये ट्रायंगल पैटर्न फॉलो कर रहा है और अच्छा ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो हमने 79 के आसपास की कॉल वो की थी एंट्री लेने के लिए, और अच्छा उसके बाद ये 2 रुपये तक का मूवमेंट भी दिखाया है। तो अभी भी यहाँ पे अभी एक बार ये सस्टेन कर सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि 2-4 दिन और टाइम ले ले, पॉसिबिलिटी है। बट अगर मुझे नहीं लगता कि अगर हमें 3 मंथ भी होल्ड करना पड़े ना फ्रेंड, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट टारगेट है। और ये एक बार ये जब चलेगा ना, तो इस हाई को भी अपने ब्रेक करेगा। अभी ये जो 25% का रिटर्न हमें दिख रहा है ना, ये 30-35% चलेगा, क्योंकि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया है कंपनी के अंदर। जो भी शेयर्स गिरवी थे वो भी हटा दिया गया है, कंपनी ने वापस ले लिया है। उसके बाद जो पीछे 2020 में रिजल्ट वगैरह की जो माइनस में आया था, आप देखो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस भी काफ़ी उसको भी लॉस हुआ था, लेकिन अब सारी पेमेंट आना स्टार्ट हो गई है, तो अब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसलिए यहाँ से हम एक ये जैम की तरह इसको देख सकते हैं और ये अच्छा रिटर्न देगा। और ये मुझे लगता है ये तो जो टारगेट है हमारा, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। तो एक बार आप लोग अपना भी रिसर्च करिए, और आइए एक बार हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे क्या इसका सिचुएशन बन रहा है। ओ नाइस, आप देखो वीकली चार्ट पे भी क्या बढ़िया, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है वीकली चार्ट पे। देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, बहुत ही सुपर, ये तो मैंने देखा ही नहीं था आज। ये देख रहे हैं, 2 बार नहीं ब्रेकआउट कर पाया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया और इसको सपोर्ट कर रहा है। आई होप यहाँ से ये अब रुकना नहीं चाहिए, ये ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। आप देखोगे तो एक छोटा सा कप एंड हैंडल, अच्छा छोटा सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा, अगर कप और हैंडल को जो हम वो कर लेते हैं, अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको भी लेते हैं, अगर इस वाले को भी अगर हम एज अ कप यूज करते हैं, तो भी आप देखोगे, सॉरी यार एक्चुअली मेरा माउस थोड़ा सही नहीं काम कर रहा है। अगर हम इसको लेफ्ट शोल्डर लेते हैं, तो ये छोटा सा कप, ये राइट हैंडल,
नहीं ब्रेक कर पाया, फिर से इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट कर रहा है। और हम जैसा कि पहले भी जानते हैं कि अगर रीटेस्ट करता है तो बहुत ही अच्छा। अभी आप देखोगे तो बहुत ही डिसेंट 41% का जो टारगेट ये निकल के आ रहा है फ्रेंड। अगर मुझे लगता है 41% का टारगेट आने 6 से 10 महीने भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया एंट्री लेवल है यहाँ पे। और ये आप देखोगे जो इसका लाइफ टाइम अभी आप हाई देखोगे तो ये 400 पे ये शेयर ट्रेड किया करता था, लेकिन कुछ वजह से दिक्कतें आई जो शेयर गिरवी रख के, लेकिन अभी इस समय इसका पूरा बैलेंस जो भी बैलेंस शीट है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है इसमें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें लेके 1 साल के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। और इसका बुक वैल्यू आप देखोगे तो 81 रुपीज की तो इसकी बुक वैल्यू है, 81 रुपीज की बुक वैल्यू है, तो अपने बुक वैल्यू के पास में ट्रेड कर रहा है। 100 तो इसको जाना ही जाना है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते में ये 100 रुपीज चला जाएगा। तो फ्रेंड एक बार आप लोग अपना भी एनालिसिस करिए, अपनी रिसर्च करिए, ठीक है। तो और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।